हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपके एग्ज़ाम की? होप अब तो आपने पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपके आ चुके हैं। डेट शीट भी आपकी आ चुकी है, LLB BLLB दोनों के बच्चों की डेट शीट जो है CCS यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दी गई है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली बहुत आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है अपने एजुकेशन चैनल में। आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं BLLB 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और LLB 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो BLLB और LLB दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, वो कंपनी लॉ है। 70% मार्क्स गारंटेड है, एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटेड है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज का वीडियो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंपनी लॉ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो मेरे द्वारा, मुकेश कुमार द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको। और जैसा आपको पता है, काफ़ी हॉट फेवरेट सीरीज है हमारी, काफ़ी बच्चे इसका वेट करते हैं और बार बार मुझे कमेंट लिखकर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर वीडियो कब आ रहा है, बहुत टाइम हो गया वीडियो आया नहीं आपका। तो लीजिए, आपके लिए 7 सेमेस्टर के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज जो है मेरा लेटेस्ट वीडियो है कंपनी लॉ का। तो कंपनी लॉ में कुछ क्वेश्चन मैंने बताए, करीब करीब 18-19 क्वेश्चन होंगे। इन 18-19 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इजिली आपके 70% मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। मेरी गारंटी है कि एग्जाम में जो भी बी और सी सेक्शन होता है उसमें यही क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कंपनी लॉ के। तो पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, समापन क्या है? किसी कंपनी के समापन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। ट्रिब्यूनल द्वारा किसी कंपनी को कब बंद किया जा सकता है? स्वैच्छिक समापन को विस्तार से समझाइए। न्याय संगत और न्याय संगत आधार पर अदालत किसी कंपनी को बंद करने का आदेश कब दे सकती है? तो ये टोटल समापन से रिलेटेड है। समापन यानी कि वाइंडिंग अप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कर लें इसको। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कंपनी में निर्देशकों की कानूनी स्थिति क्या है? निर्देशक के कर्तव्य, शक्तियाँ और कार्य क्या है? निर्देशकों की अयोग्यता कब हो सकती है? तो ये सब आपको करना है, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तीसरा है, अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत को विस्तार से समझाना है आपको। चौथा क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टस को परिभाषित करें। प्रोस्पेक्टस में गलत प्रस्तुतिकरण के क्या उपाय हैं? प्रोस्पेक्टस में गलत विवरण के लिए कौन उत्तरदायी है? और ऐसे बयान के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व की सीमा स्पष्ट करें। यानी कि प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी गलत कंपनी के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, बाद में उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया जाता, तो क्या उत्तरदायी है इसके? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रमोटर कौन है? कंपनी के संबंध में उनकी स्थिति को स्पष्ट करना है हमें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉरपोरेट घूंघट सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके तहत किसी कंपनी का कॉरपोरेट पर्दा हटा दिया जाता है, जिसके इसके किसी भी अलग कानूनी अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कुप्रबंधन और उत्प्रेरण की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। कंपनी अधिनियम के तहत उत्प्रेरण और कुप्रबंध के प्रबंधन के खिलाफ उत्प्रेरण अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध उपायों पर चर्चा करें। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए स्लाइड नंबर 1 में। मेरी फिर आपको बार बार यही कहना होता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे बताए हुए जरूर आएंगे एग्जाम में, लेकिन मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स तो आपके लिखे हुए आंसर से मिलेंगे ना। तो आप आंसर बहुत बढ़िया तैयार करना, अच्छे आंसर तैयार करना, काफ़ी लेंथी आंसर तैयार करना, क्योंकि एग्जाम में जाते कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो कम से कम 3 से 4 पेज का आप इसको तैयार कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन इस स्लाइड में हो चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ के हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? वस्तुओं के परिवर्तन खंड से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 9, किसी कंपनी के संबंध में एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल से क्या तात्पर्य है? किसी सामग्री का विस्तार से परीक्षण करें, इसकी सामग्री का विस्तार से परीक्षण करें। MOA और AOA के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी कि मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंशिएशन करना। इंडोर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इंडोर प्रबंधन के सिद्धांत और इसके अपवादों का वर्गीकरण करें। अगला, किसी कंपनी के संदर्भ में पुनर्निर्माण और समामेलन का क्या मतलब है? इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निगमन के तरीकों और परिणामों तथा निगमन के नुकसानों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुलाकात से आपका क्या तात्पर्य? किसी कंपनी अधिनियम
2013 के तहत बैठक के प्रकारों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसी कंपनी पर लागू कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत ने आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न किया है। इसे कुछ अपवादों के साथ लागू किया गया है। कॉरपोरेट व्यक्तित्व के लाभ पर चर्चा करें, किन परिस्थितियों में अदालतें इस सिद्धांत की अनदेखी करती हैं। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन हो गए अभी आपके इस स्लाइड तक, तो दो स्लाइड हमने कवर कर ली है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आंसर ढूंढने के लिए, तो एज इट इज गूगल सर्च करेंगे तो इजीली आपको ये आंसर गूगल पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लीगल ब्लॉक्स होते हैं गूगल से, तो लीगल ब्लॉक्स में जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो अपने ब्लॉक्स लिखते हैं, आंसर्स को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके देते हैं। तो वहाँ से आप इसके आंसर्स को कॉपी करके लर्न कर लें और एग्जाम में बढ़िया तरीके से आंसर लिख के आने की कोशिश करें। तो आइए तरफ चलते हैं अगले स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एजुकेटर ऑफ दिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो कंपनी लॉ भी कर रहे हैं आज, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करें। एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी से स्थापित तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों को बताइए। लिमिटेड बनाम रिच HFHL 653, यानी कि बिफोर द फ्रीडम का केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, इसको जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 है, फास्ट बनाम हार बोटल के मामले में प्रतिपादित अपवाद नियम पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिवेंचर क्या है। किसी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिवेंचर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेनदारों और शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए अदालतों के कर्तव्यों का वर्णन करें। तो टोटल 19 क्वेश्चन हो गए हमारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है अगर आप इन 19 क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके जाते हैं, अच्छी तरह से एग्जाम में आंसर लिख के आते हैं, तो आपके 70% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स आज ही से शुरू हो जाए, कंपनी लॉ को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कंपनी लॉ का ही पहला पेपर भी है आपका, तो आपके लिए अच्छा है कि आप अभी से पढ़ के तैयारी करना शुरू कर दें। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फॉलो लाइक कर सकते हैं। तो सभी आंसर्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो मेरे पास अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में विद रीजनेबल प्राइस पर। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही है, कोई बुक भी वो सोच रहे हैं कि खरीदे या ना खरीदे, तो उनको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे PDF फॉर्मेट पर आंसर्स ले सकते हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर। इसके साथ साथ मेरे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का, तो वहाँ पर वो भी आप मुझसे एक अफोर्डेबल प्राइस पर ले सकते हैं। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से, व्हाट्सएप करें 9811948855 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेलिंग आईडी है kiral29.mukesh@gmail.com। तो फ्रेंड्स जिसने भी पूरा वीडियो देखा है, पूरे वीडियो का लाभ उठाया है, लेकिन उसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो, इतना फ़ायदा होता है, आप हर सेमेस्टर में मेरे क्वेश्चंस को तैयार करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जब मुझे इस तरह के मैसेज देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी मदद की वजह से कितने सारे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट हैं। तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास समय कम होता है और कम समय में कुछ ऐसा मटेरियल पढ़ना चाहते हैं जिनसे उसके अच्छे मार्क्स आ सके, तो उनके लिए स्पेशली मैं नोट्स वगैरह तैयार करता हूँ ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ सके। तो इसलिए फ्रेंड्स आप समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए वीडियो को यहीं पर कम्प्लीट कर रहे हैं हम, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो के क्वेश्चंस का लाभ उठा सके और अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके। तो जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट और बाकी सेमेस्टर के वीडियो भी आपके बीच में आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।